बोकारो के जैना मोड़ में आयुष्मान हॉस्पिटल में गर्भवती की मौत के बाद परिजनों ने शव लेकर हंगामा किया और इस दौरान परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया। इस मामले की सूचना पर जनपद पुलिस दलबल के साथ अस्पताल पहुंची और हालात की जानकारी ली। मौके पर अस्पताल के संचालक नीरज ने बताया कि डॉक्टर निर्मल कुमार ने ऑपरेशन किया। मामले के संबंध में बताया गया कि बोकारो थर्मल की रहने वाली नेहा देवी को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे के जन्म के बाद डॉक्टर को यूट्रस ऑपरेशन करना था, लेकिन लापरवाही के कारण यूरिनल के रास्ते का ही ऑपरेशन कर दिया। जब महिला की स्थिति बिगड़ने लगी तो डॉक्टर्स ने रांची रेफर कर दिया, जहां मेडिका अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल के संचालक और परिजनों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत कराया जा सका। हम लोग यहां रात को आए, मुझे एडमिट किए हैं, इसको बोले यहां पे डॉक्टर हैं तो हाँ है, तो बोल दिए कि एडमिट का सब चीज का सुविधा है ना, तो बोले हाँ है, तो हम लोग एडमिट कर दिए। बोले कि कर दीजिए डॉक्टर, थोड़ा देर में आ रहे हैं, थोड़ा देर में आ जाएंगे, तो हम लोग आ गए। फिर पेशेंट को हम लोग एडमिट कर दिए, उसके बाद में डॉक्टर आए आधे घंटे के बाद। अब पता नहीं वहाँ पे ऑपरेशन में क्या हुआ, टॉयलेट इसका नहीं हो रहा है। ना बड़ा ऑपरेशन से इसका बच्चा हुआ, उसके बाद इन लोग का किया का नहीं, बिना गार्जियन को इन लोग वेलमार्क रेफर कर दिया रात को। अब रात को जब वहाँ भेजे हम लोग, तो वहाँ पर बोला डॉक्टर आएगा 11 बजे तक। अब डॉक्टर का आसरा देखते देखते लास्ट जब पोजीशन होने लगा, तो इन लोग फिर वहां से रेफर कर दिया मेडिका। मेडिका में जब हम लोग वहां लेके गए, तो डॉक्टर वहां बोला कि इसका यूरिन बंद हो गया है, इसका पेशाब रुक गया है, जिसके कारण पेशाब पूरा बॉडी में फैलने लगा है, और इसका बहुत कम चांस है। इसका जब रिपोर्ट दिखाए हम आयुष्मान का, तो बोला वो इसका ऑपरेशन के दौरान इसका यूरिन बंद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।